मेनपुरी में पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी का शव नहर में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। थाना ओशा क्षेत्र के ग्राम पढ़िया चौराहे निवासी रामनाथ सिंह पुत्र सुखवासी लाल उम्र 55 वर्ष जो कि ओशा में पीडब्ल्यूडी के बेलदार के पद पर तैनात थे, जिनका शव नहर में तैरता हुआ मिला। बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे के करीब अपने घर से ओशा ड्यूटी करने गए थे, लेकिन जब शाम तक घर वापस नहीं लौटे तब परिवार वालों ने ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो नहीं मिले। तब कुछ लोगों ने उनके शव को नहर में तैरता हुआ देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला, तब शव की पहचान रामनाथ के रूप में हुई। शव को देखने पर पता चला कि उनके शरीर पर कुछ चोटों के भी निशान थे। पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कर्मचारी का एक शव मिला, सर क्या प्रॉब्लम है? ये मृतक है रामनाथ, ये बेलदार के पद पर पीडब्ल्यूडी में काम करते थे। कल शाम को नहर में डूब गए थे, आज इसकी बॉडी सिंहपुर नहर में बरामद हुई है। उसका पंचायत न भर के पोस्टमार्टम करके आई जा रही है। कौशाम्बी में काजीपुर ग्राम के जूनियर हाई स्कूल में डीएम मनीष कुमार वर्मा की चौपाल लगी थी, जिसमें जनपद के सभी अधिकारी गण मौजूद थे। उसी वक्त बच्चे बर्तन धोने लगे थे। बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी ने बताया, जायज कहा, अपने झूठे बर्तन धोना कोई गलत बात नहीं, जबकि शासन के मंशानुसार मासूम बर्तन नहीं धो सकते, यह काम दाइयों का है। कौशाम्बी से धीरेन्द्र शुक्ला की रिपोर्ट। कासगंज जनपद में पुलिस कप्तान के कड़े रवैये के बाद जहां अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है, लगातार कभी सट्टा माफियों तो कभी वाहन चोरी गिरोह के अपराधी पकड़े जा रहे हैं। पुलिस कप्तान अशोक कुमार शुक्ल के सख्त रवैये के बाद भी चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने वाइन शॉप की दुकान पर नकब लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि गौरा पुल के पास हीरा नगला पर अंग्रेजी शराब की दुकान है। चोरों ने रात में मौका पाते ही शराब की दुकान में पीछे से नकब लगा दिया और शराब की पेटियां व दुकान में रखा सारा कैश निकाल ले गए। सूचना मिलने तक पुलिस ने जांच शुरू कर दी।